Welcome to Smart Chemistry YouTube channel. Subscribe now. दोस्तों आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले बता दूं कि पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो एलिमेंट्स है प्रकृति के अंदर उनके क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम सभी को पता है कि जो समान गुणधर्म वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक टेबल के अंदर सेट करके उनके बारे में जानने में आसानी होती है। इसी को वैज्ञानिकों ने अपना मेन फोकस बनाया और पीरियोडिक टेबल की रचना की। पीरियोडिक टेबल की रचना के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग नाम दिए, बट जो मोजले का है, मॉडर्न पीरियोडिक लो, जिन्होंने 1913 में अपना रूल दिया, वो ही सर्वमान्य हुआ। और इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो इन्होंने जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स के उसको अपना बेस बनाया और बताया कि जो एटॉमिक नंबर है, जो एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में पीरियोडिक टेबल की रचना की और बताया कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर इनके अकॉर्डिंग जो टोटल एलिमेंट्स हैं उन्हें 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एस पी और डी एफ। अब तक प्रकृति में 118 तत्व की खोज की जा चुकी है, ये सब हम लोग जानते हैं। और जो एस पी डी एफ है उसमें भी केवल एस पी डी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो ही मोस्टली यूजेस किए जाते हैं। जो ए ब्लॉक है वो बिल्कुल या तो बहुत कम यूज में लिया जाता है या फिर लिया ही नहीं जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल कैसे रिमेम्बर करते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। जो एस ब्लॉक है उसको मोजले ने दो ग्रुप में डिवाइड किया, फर्स्ट ए एवं सेकेंड बी। तो जो फर्स्ट ए है और पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हम सभी जानते हैं डिवाइड किए गए हैं। अब जो फर्स्ट ए वर्ग है पहला, उसे रिमेम्बर कैसे करेंगे, जैसे ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इस जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसके लिए हेली ना की रब से फरियाद। तो आप जब इस ट्रिक को देखेंगे तो इनका जो पहला वर्ड है वो इस सिंबल से, जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल से मैच करेगा, इनका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम सा आएगा। जैसे हम देखते हैं हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम। अब जैसे ना को लिखेंगे तो ना को हम मैसेज टाइप करते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, रुबिडियम, से सीजियम और फ्रांसियम। इजिली हम इसको याद कर सकते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट ग्रुप आता है सेकेंड बी, उसके एलिमेंट्स देखते हैं और उसके लिए ट्रिक देखते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसके लिए ट्रिक देखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई। जैसे ही हमने फर्स्ट है कि ये जो ट्रिक देखी थी, इनका जो वर्ड है वो प्रोनाउंसिएशन है दोनों का सेम सा होता है। इसी प्रकार जब बेटा लिखते हैं हम इंग्लिश के अंदर, जब मैसेज टाइप करते हैं तो इसी प्रकार लिखते हैं, तो भी जो फर्स्ट लेटर है वो सब स्क्रिप्ट के रूप में लिख देती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा से बेरेलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम और बाप से बेरियम और रोए से रेडियम। इस प्रकार हम इसे इजीली याद कर सकते हैं। तो जो एस ब्लॉक है उसके अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे 13 है, बट ये जो हाइड्रोजन है हम सभी जानते हैं कि इसकी जो पोजिशन है वो पीरियोडिक टेबल में बीच में बताई गई है,
और इसकी जो पोजीशन है वैज्ञानिकों ने स्थायी रूप से भी बीज के अंदर नहीं है, इसके जो कुछ गुणधर्म है वो हेलोजन के अंदर मैच करते हैं तो कुछ एल्किली मेटल्स के अंदर मैच करते हैं। जो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसे एल्किली मेटल्स कहते हैं और ये जो सेकंड बी ग्रुप है उसे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, यानी कि क्षारीय मृदा धातु और ये क्षारीय धातु। हमने एस ब्लॉक की बात कर ली, अब पी ब्लॉक इलेमेंट्स के अंदर आते हैं। अब जो पी ब्लॉक इलेमेंट्स है वो थर्ड ए ग्रुप से लेके एट ए ग्रुप तक है। अब जो बोरोन फैमिली है उसके अंदर आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम। अब इसे याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला। इस ट्रिक के अंदर टोटली वेजिटेबल्स के दो चार नाम है, आपको सिंपली याद करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हमने लास्ट एस ग्रुप इलिमेंट्स के अंदर बात की थी, यहाँ पे इनका जो प्रोनंसिएशन है वो सेम ये सबस्क्रिप्ट है जो इलिमेंट्स हैं इनके सिंबल के जैसे आएगा। बैंगन से बेरियम, आलू से यहाँ पे AL, जैसे आलू को लिखेंगे AL U, तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, इजिली हम इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं कार्बन फैमिली पे, इसके लिए ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप लोग इजीली देख सकते हो। काशी गए शंकर प्रभु, तो शंकर प्रभु काशी गए हैं घूमने के लिए, इससे भी आप कार्बन फैमिली है इसको याद कर सकते हैं इजीली। देखिए का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, गे से जर्मेनियम, शंकर से टिन, और जो प्रभु है पीबी, आपको प्रोनंसिएशन आ रहा होगा यहाँ पे पीबी का, इससे ये लेट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन फैमिली पे, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, आजकल सब लोग बीड़ी को ही नहीं पीता लेकिन सिगरेट पीते हैं, लेकिन आप बीड़ी से यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इसे भी इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे नहीं से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, एस से AS का यहाँ पे प्रोनंसिएशन आ रहा है इसमें आर्सेनिक, सब SB का आ रहा है, तो यहाँ से एंटीमनी, BD से बिस्मिथ, BD, BI, DI, यहाँ पे ये जो BI सबस्क्रिप्ट इसके लिए यूज किया गया। इस प्रकार हम थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को इजीली याद कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो सिक्स्थ ए, अब देखते हैं सिक्स्थ ए वर्ग जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का आता है, तो यहाँ पे इजीली जो ट्रिक है मैंने लिख दी है आप देख सकते हैं, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, जो ऑक्सीजन फैमिली है उसके लिए ये ट्रिक काम में आती है, रिमेम्बर करने के लिए जो इलिमेंट्स है ऑक्सीजन फैमिली के उनको। अब आप देख सकते हो ओ से ऑक्सीजन, सलमा है जो आज के लोगों की पॉकेट सिलती रहती है, आप लोगों को पता है सलमा, तो ओ से ऑक्सीजन, सलमा से सल्फर, सिलेगी से सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आप इसको इस ट्रिक से इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। अब जो सेवंथ ए ग्रुप है उस पे आते हैं पी ब्लॉक का फ्लोरिन फैमिली, इसके लिए फिर कल बाहर आई आंटी, वैसे आंटी को कोई देखता नहीं है, आंटी की बेटियों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आंटी को देखना पड़ेगा, और आप इजीली इसको जो फ्लोरिन फैमिली इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। फिर से फ्लोरिन, कल से क्लोरिन, बाहर से ब्रोमिन, आई से आयोडीन, और जो आंटी है उससे एस्टेटाइन। इस प्रकार हम जो फ्लोरिन फैमिली है इस ट्रिक की सहायता से इजीली याद कर सकते हैं। अब आते हैं एर्थ ए ग्रुप जो है लास्ट पी ब्लॉक का उस पे, इसे जो है इसे हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। अब आते हैं इस पे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हरभजन नेहरू आकर करिए एक्सरसाइज रात को, हरभजन और नेहरू खेल के आते हैं और रात को एक्सरसाइज करते हैं, सोते भी नहीं है, तो यहाँ से देख सकते हैं हरभजन से यहाँ पे हीलियम, नेहरू से नियोन, आकर से आर्गन, करे से क्रिप्टोन, और एक्सरसाइज यहाँ पे एक्स से एक्स आ रहा है तो रिमेम्बर कर सकते हैं जो जिनोन, और जो रात को यहाँ से रेडोन। तो इस प्रकार हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, इस ग्रुप को जो इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, आप इसे इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। इस प्रकार एस और पी ब्लॉक के लिए हमने जो ट्रिक है वो देखी, आप इन ट्रिकों की सहायता से इजीली इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत ही फनी है,
आप एक बार देखेंगे और आपको इजीली याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डी ब्लॉक पे। अब नेक्स्ट आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड बी से लेके फर्स्ट बी, तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। इन्हें ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये जो सारे हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं। अब थर्ड बी जो वर्ग है उसके अंदर देखते हैं। यहाँ पे ये जो 3D सीरीज है डी एलिमेंट्स की, उसे रिमेम्बर कैसे करेंगे? यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी, यहाँ पे लिख दिया हिंदी के अंदर। साइंस थ्योरी वाहक रे मानो फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। सबको पता है कि साइंस की वाह केवल इंसान ही करता है। यहाँ साइंस से स्कैंडियम, टेरी से टाइटेनियम, वाह से वेनेडियम, करे क्रोमियम, मानो मैग्नीज, फिर आयरन, कौन से कोबाल्ट, निकाले से निकल, कॉपर से कॉपर और जिंक से जिंक। आप यहाँ पे इस ट्रिक के माध्यम से इजीली इसको रिमेम्बर कर सकते हैं, बड़ी फनी भी है ये। अब आते हैं 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो सीरीज है वो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथिनियम, रोडियम और पैलेडियम और सिल्वर और कैडमियम। इसके लिए जो ट्रिक है, ये जिंदगी ना मौजगी टिक्की रुथी रोड पे आई के, यहां से इजीली याद कर सकते हैं। ये को कैसे लिखते हैं? वाई, यहां से ई को छोड़ देंगे तो वाई आता है यहाँ पे। यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथिनियम, रोडियम और पैलेडियम, आई से सिल्वर और के से कैडमियम। ये जो फनी ट्रिक है इसके माध्यम से हम इसको इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। 10 एलिमेंट्स इसके अंदर हो गए, 10 एलिमेंट्स इसके अंदर हो गए। अब जो 5D सीरीज है डी एलिमेंट्स की वो देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये लेंथेनम, हेफनियम, टेक्टेनियम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम और इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। इसके लिए यहाँ पे है ला हफ्ता दे वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ला से ला लेंथेनम, हफ्ता से ये जो अपना हेफनियम है, दे से ये जो टेक्टेनम है, वरना से टंगस्टन। इस प्रकार ये जो फनी ट्रिक है इसके माध्यम से हम इसको इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। इसके अंदर भी 10 एलिमेंट्स और जो 10 एलिमेंट्स बच गए हमें उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मोस्टली यूज में ही किए जाते हैं। इस प्रकार डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 40 एलिमेंट्स होते हैं। इस प्रकार हमने देखा जो पी एस पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके लिए जो इजी ट्रिक्स हैं और साथ ही साथ फनी भी है। एक बार हम देख लेंगे तो लाइफ टाइम इसको भूलेंगे नहीं, इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनको। अब इस जो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है इसके कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 लाइनें बन के आती हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें पता है कि प्रकृति के अंदर अब तक 118 एलिमेंट्स है वो डिस्कवर किए गए हैं। इनमें से जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो 12 प्लस में 2 जो हाइड्रोजन और हीलियम है, हीलियम बल्कि पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, बट इसके अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक के अंदर ही आते हैं क्योंकि इसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि एस ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, इसलिए इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे एस ब्लॉक के अंदर रखा गया है। यहाँ पे 12 प्लस 2 एस ब्लॉक के अंदर हो गए, 31 होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, बट हीलियम को एस ब्लॉक में रखने के बाद इसके अंदर केवल 30 एलिमेंट्स बचते हैं। डी ब्लॉक के अंदर मैंने बताया आपको 40 ए ब्लॉक है वो लेंथेनम और एक्टिनम 2 सीरीज है, इसके अंदर 14 14 28 एलिमेंट्स। इस प्रकार टोटल 112 एलिमेंट्स हो जाते हैं। और जो 6 एलिमेंट्स बच गए उनकी पोजिशन अभी तक पीरियोडिक टेबल पे है वो फिक्स नहीं की गई है।